मेरे पति देव ने गुड़िया के कपड़े कहाँ पे सुखाए हैं? रिंग लाइट पे। आज मेरे भाई का बर्थडे है, सिद्धू का, हमें देखा होगा वो नहीं। तो सब लोग कमेंट्स में उसको बर्थडे विश कर देना। आज उसका बर्थडे है तो आज मैं जा रही हूँ बाबू को लेके, मैं वहाँ पे उसके घर पे, और जो मेरे हस्बैंड है वो ऑफिस से ही आ जाएंगे क्योंकि वही था लेट हो जाते, छुट्टी भी नहीं ले सकते जल्दी, तो इसी वजह से वो ऑफिस से सीधा वहीं पहुँच जाएंगे। तो हम लोग निकल जाएंगे पहले, और बाकी आगे जो होता है मैं आप लोगों को बताती हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं थोड़ी देर में, बाय बाय। अभी जब मैं विशाल मेगा मार्ट गई थी, आप लोगों ने व्लॉग देखा होगा मेरा, मतलब मैंने अंदर का तो नहीं बना पाई थी क्योंकि बेबी साथ में था, तो मैं वहाँ से जो सामान लेकर आई थी ना वो मैं आपको दिखा नहीं पाई थी, मतलब रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी। तो मैं अब आप लोगों को बता देती हूँ कि मैं क्या क्या लेकर आई थी वहाँ से। मतलब ना वहाँ पे ना बहुत चीपेस्ट प्राइस में सामान मिल रहा था, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कभी कभी मतलब हाई रेंज पे भी मिलता है, कभी लो रेंज पे मिलता है। तो जो जो मतलब चीज़ें मुझे अच्छी लगी अकॉर्डिंग टू प्राइस वो मैंने वहाँ से परचेज़ कर ली थी। तो मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए मैंने एक ये वॉलेट लिया था, ये मुझे बहुत प्यारा लगा 3D वे में, देखो ग्रीन और पर्पल इसमें लाइट आ रही है, बहुत ही प्यारा वॉलेट लगा मुझे ये। तो एक मैंने ये लिया सिर्फ 100 रुपीज़ का, तो 100 रुपीज़ के हिसाब से वर्थ था बिकॉज जो इसका टेक्सचर है वो काफ़ी अच्छा है और अंदर से भी ये बहुत अच्छा है। दिखा देती हूँ मैं आप लोगों को, देखिए देखिए अच्छा लगा मुझे काफ़ी, मतलब बहुत पसंद आया। और नेक्स्ट मैंने लिया था ये मैट, ये जब हम खाना वगैरह खाते हैं तो नीचे बिछाने के लिए, ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा था, इसका टेक्सचर बहुत अच्छा है, वॉशेबल है, सबसे बड़ी बात ये है कि वॉशेबल है, ये ब्रश मारो साफ़ हो जाएगा, वैसे इतनी दिक्कत, इतना तो गंदा होता ही नहीं है, कपड़े से ही साफ़ हो जाता है, बट फिर भी वॉशेबल ये है कि ब्रश मार के भी साफ़ हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब ये है कि ख़राब नहीं होगा। तो ये मेरे को 109 रुपीज़ का मिला था, मुझे बहुत अच्छा लगा, कलर भी बहुत प्यारा था। और नेक्स्ट मैंने लिए थे ये कुशन कवर, ये मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यारे लगे थे, मतलब जब मैं घर भी ले गई थी मैंने घर पे दिखाया तो दीदी को भी लिटरली बहुत पसंद आया, दीदी कह रही बहुत अच्छे लग रहे हैं, मुझे बहुत प्यारे लगे, बट थोड़ा सा डाउट है शायद थोड़े से छोटे लग रहे हैं, अब मैंने मतलब वो नहीं पहनाए नहीं है पहनाए मतलब अभी क्या बोल सकते हैं, कुशन कवर पहनाए नहीं है, यही हो सकता है क्योंकि इनको तो कपड़े ही पहनाते हैं ना हम लोग तो अभी मैंने ट्राई नहीं किया है, जब ट्राई करूँगी तब आप लोगों को दिखाऊँगी कि ये मैच हो रहे, मैच नहीं सॉरी मतलब आ रहे हैं मेरे कुशन पे या नहीं आ रहे हैं। और नेक्स्ट जो मैंने लिया था एक ये बैग, देखिए कि ये मुझे बहुत अच्छा लगा, वो इतने सारा सामान आ जाएगा इसमें, मतलब आपने देखा होगा छोटे छोटे बैग होते उसमें सामान ज़्यादा नहीं आ पाता, बट ये इतना बड़ा है उसमें काफ़ी सारा सामान आ जाएगा। तो मैंने बेसिकली ये बाबू के लिए ही लिया है, अपनी गुड़िया रानी के लिए, कि उसका सामान जो है इसके अंदर मैं डाल सकती हूँ, जैसे कोई कपड़े हो गए कुछ भी हो गया इसके अंदर डाल के आराम से रख सकती हूँ, क्योंकि काफ़ी बड़ा है ये बैग, क्योंकि आपको पता है बच्चों के कपड़े धीरे धीरे करते करते बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो कहाँ रखे समझ नहीं आता, इसलिए मैंने ये वाला बैग लिया था। देखो अभी तक सो रही है ये, क्योंकि रात को इतनी लेट सोई थी इतना परेशान कर दिया इसने, इसने मम्मी को सोने ही नहीं दिया, पापा को भी सोने नहीं दिया, देखो आप इतने मज़े से सो रही है सुकून से, पर अभी उठ जाएगी थोड़ी देर में क्योंकि इसका टाइम होने वाला है उठने का। मैं अभी नहाने नहीं जा रही, पहले इसको फिट कराऊंगी तब नहाने जाऊंगी, क्योंकि आज मुझे हेड वॉश करना है, हेड वॉश कम कम करती हूँ ना मैं, ज़्यादा नहीं करती इसी की वजह से, ताकि इसको ठंड ना लगे, मतलब अभी तो मैं वीक में एक ही बार कर रही हूँ, लास्ट मैंने फ्राइडे ही करा था, अब फिर से फ्राइडे ही कर रही हूँ, तो 1 वीक बाद ही। अभी घर में रहती हूँ तो ज़्यादा हेड वो भी नहीं होता, गंदा भी नहीं होता, क्योंकि बाहर जाते हैं धूल मिट्टी वगैरह होती है तो जल्दी गंदा हो जाता है बाकी अभी धूप वगैरह भी अच्छी निकल रही है चलो फिर मिलते हैं बाद में, बाय। मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, हमारे किचन में स्नोफॉल हो गई है, ये देखो देखो गाइस, ये स्नोफॉल पता नहीं कहाँ से हो गई हमारे घर में, आप लोग बताइए कमेंट में कि ये कैसी स्नोफॉल है देखो पास से दिखा देती हूँ क्या है ये, आखिर क्या गिरा है हमारे स्लैब पे कमेंट्स में बताइएगा,
और ये गिरा पता किससे है? देखो जी, हमारी बड़ी मैडम जी, मेरे से ये इनसे गिरा है। ये सबके साथ होता ही रहता है वैसे भी। ओले मेरा बेटा, जो सपने में देख के रोने लग गई, डर गई सपने में। ईशा कुकू और ये दीदी भी आ गई। देखो तो मैं इनके लिए बना के लाई हूँ चाय। ये देखिए मेरी प्रेजेंटेशन कैसी लग रही है गाइस? अच्छी लग रही है। ये देखो मेहंदी, देखो इसकी, ये इसने खुद लगाई है। ओ खुद नहीं लगाई थी, सॉरी बाहर से लगाई है। सीक्रेट है, बताना नहीं है। और ये हमारी लाडो रानी सो रही है। ये मैं आधी रेडी हो गई हूँ, आधी होने वाली हूँ। अपनी चूड़ियाँ दिखा दो। चूड़ी नहीं है, छोड़े है खड़े। अच्छा, हम निकल चुके हैं, कुकु ईशा भी आ गए थे जैसे मैंने बताया था। अब हम लोग जा रहे हैं सिद्धू के बर्थडे के लिए। हम ऑटो में बैठ गए तीनों। सेम ही मैं यही कपड़े पहन रही हूं। गुड्डा भी है इधर। ये देखो हमारी गुड़िया दिख नहीं रही है, दिख जाएगी, दिख जाएगी। तो गाइस हम लोग सिद्धू के घर पे आ चुके हैं। अभी सब लोग वहाँ पे खेल रहे हैं तो मैं वीडियो बना रही हूँ। अभी गुड़िया के साथ खेल रहे हैं, वो रो रही है। चलो मैं उसको देखने जा रही हूँ। सिद्धू हमारे गुड़िया के कल्लू मामा अपनी ड्यूटी निभाते हुए। गाइस अभी सिद्धू को विश कर दो, सिद्धू का बर्थडे है। गाइस ये व्लॉग बना रहा हूँ। हाँ गाइस ये भी व्लॉग बना रहा है अपना। गाइस ये देखो, गाइस मेरे पैच मेरी वीडियोस बना रहे हैं। पापा देखो, ये गाइस हमारे चाचू है। हेलो चाचू, मेरे पापा। ये तो सिद्धू वगैरह मेरे चाचू है। पापा नहीं आया अभी तक मेरे ब्लॉग में है। हेलो तो बोल दो। और मैं आपको अपनी चाची से मिलाती हूँ, जिनको प्यार से मैं बोलती हूँ पल्लो। अरे चाची कहाँ गए आप? बिहारी सारा गांधी है मेरी चाची। हेलो। इनको हम प्यार से बोलते हैं पल्लो। हेलो। और आलू के पराठा मेकर। हाँ तारा घंटे आलू के पराठे बहुत अच्छे बनाती है। किसी को सीखना होता है इनसे सीख सकते हो। अरे देख कैसे तैयारी हो रही है। ये हार्ट फुलाते हुए हवा डालिए थोड़ा नीचे। उससे बात करो। हेलो। क्योंकि मैं बड़ी हूँ ना और मेरी शादी हो गया है और मैंने साड़ी पहनी है। सिर्फ साड़ी पहनी है। साड़ी और फिर मैं मम्मी बन गई ना, इसलिए मुझे थोड़ा सा। आपको आपका गिफ्ट कैसा लगा? गाइस गेस करो सिद्धू को गिफ्ट क्या हो सकता है? मेरा गिफ्ट एक जीता जागता इंसान है। ये नहीं बताना था ये हमारे घर में पागल ही है। कबाब में हड्डी है हमारे। तू है कबाब में हड्डी, तू बाद में है। बर्थडे बॉय अपना मेकअप करते हुए। और हम कहाँ? क्या आपके साथ भी ऐसा ही होता है क्या गाइस? जब भी कोई स्पेशल ओकेजन होता है तो ये पिंपल्स दुखी कर देते हैं। मेरे साथ तो कोई गया। तेरे साथ तो हो रहा, तभी तो मैंने सबसे पूछा। और ये लगे हैं प्रिपरेशंस करने में। मैंने गुड़िया को सुला दिया है, सो गई है। अब मैं इसको डकार दिला रही हूँ, देन उसके बाद मैं इसको लेटा दूंगी। गाय देखो कुकु सफाई कर रही है। झाड़ू वाली बाई कैसे हो आप? जिंदगी खराब है। क्यों जिंदगी खराब क्यों है? बस है काय को बताई जाती है। क्या बोल रहे सिद्धू? कह रहा हूँ झाड़ू ठीक से लगा।
तू लगा ले आके, बर्थडे है मेरा। आया बड़ा वहां से भी साफ कर दियो। आया बड़ा ऑर्डर देने वाला, मैं से सब कुछ करवाया।